सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल इस्टेट में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा नई नई डेवलपमेंट की और अपडेट की न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। उसी तरह से आज एक और डेवलपमेंट की न्यूज़ लेकर आए हैं आपके सामने, और आपको बताते चले कि आपको जैसा कि पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, जिसमें आपका जो सिटीज़ है उसको डेवलप की जा रही है। तो जिसमें आपका आप देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा है, येडा सिटी है, बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन रहा है आपके, और साथ ही साथ अगर आप देखा जाए तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए भी, यानी कि पर्यटक स्थल भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपका मथुरा वृंदावन को देखा जा रहा है। रिलीजियस टर्म से आप देखो अयोध्या को भी डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह से यूपी में बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं। तो उसी में एक और मैं आपको अपडेट दूंगी, तो कनेक्टिविटी इन सारी चीज़ों में बहुत मायने रखती है लोकेशंस की। तो अब कनेक्टिविटी में और भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही, जिसमें उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी को यूपी प्रशासन ने जो चार्ज दिया हुआ है उसमें गंगा एक्सप्रेसवे, जैसा कि आप सब जानते होंगे, गंगा एक्सप्रेसवे को बना रही है यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो कि स्टार्ट होता है मेरठ से, बुलंदशहर की सीमा से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली वो, और आपका मेरठ से स्टार्ट होके फिर आप आगे देखोगे अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, साथ ही साथ उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद तक जाके कनेक्ट करता है ये गंगा एक्सप्रेसवे। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूंगी कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज मेरा अपना शहर है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को देख के कि हम इतने आसानी से उस जगह को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी यूपी गवर्नमेंट बहुत सारी कनेक्टिविटी लेके आ रही है, और एक तरह से लोगों के सफ़र को सुगम बना रही है, ताकि लोग ईजिली एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट कर सके। और ये मेरे लिए भी बड़ी ही प्राउड की बात है कि आप NCR जैसे लोकेशन से हमारे प्रयागराज को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम न्यूज़ पे आ जाते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो रही थी। बुलंदशहर जिले की सीमा से होकर गुजर रहा गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे अब औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया जाएगा। यानी कि एक्सप्रेसवे तो जो आपका बन रहा वो तो है ही मेन चीज़, बट जो आज का मेन टॉपिक है वो है औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया जो पूरा ये एक्सप्रेसवे के सराउंडिंग में जो है, ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, उसी पे पूरी ये न्यूज़ बेस्ड है। तो न्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखिएगा, ये भी काफ़ी अपडेटिंग न्यूज़ है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बसाया जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। बुलंदशहर जिले की सीमा से होकर गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे अब औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इसके लिए शासन ने यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण को योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित सरकारी ज़मीन को खाली कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। मेरठ से प्रयागराज का सफ़र सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तो जो ये मेरठ से प्रयागराज का जो आपका पूरा रूट है, इसे बहुत ईजिली तरीके से आप वहाँ तक लोकेशन तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें, उसको क्लियर तरीके से करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। और उसी के साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के साथ ही जो भी आपकी लैंड है, गवर्नमेंट ज़मीनें हैं, उसे खाली कराई जा रही है, और उस पर ही यहाँ पे आपका औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा। थाना तहसील के गाँव पोटा, कबूलपुर, कुचेसर, बेनीपुर, हिंगवाड़ा, इकलैंडी, बिहटा से कुल 123 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद जहां प्रयागराज आना जाना आसान होगा, वहीं अब सरकार की ओर से एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। मतलब रास्ता तो साफ किया ही जा रहा है, साथ ही साथ बिजनेस का, साथ ही साथ डेवलपमेंट का, क्योंकि किसी भी शहर के लिए इंडस्ट्रियल एरिया होना यानी कि उस शहर की इकोनॉमिक कंडीशन को और भी बेटर करता है। यहाँ पे उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। शासन के निर्देश पर अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक जमीन, सरकारी जमीन की उपलब्धता, दायरे में आने वाली निजी जमीन समेत अन्य जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में हुआ था 36,000 करोड़ का MOU इन्वेस्टर समिट के दौरान मार्च माह में
इस पूरे जिले में 76,000 करोड़ के निवेश के लिए MOU हुआ था। सिकंदराबाद और खुर्जा औद्योगिक क्षेत्र में जमीन अधिक महंगी और अन्य क्षेत्रों में जमीन की उपलब्धता न होने के कारण 40,000 करोड़ के निवेश का MOU करने वाले वेस्पन ग्रुप ने निवेश से हाथ खींच लिए थे। इसके अलावा अन्य निवेशकों को भी अभी तक जमीन नहीं मिल सकी है। तो ओवरऑल ये सारी न्यूज़ है जिसमें मैंने आपको डिटेल बताई है किस तरह से प्रशासन कोशिश कर रही है। यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक जो आपकी प्राधिकरण है वो भी पूरा एक तरह से काम कर रही है किस तरह से एक्वायरमेंट करनी है, क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं। आपको हमेशा से हम ये चीज़ बोलते आए हैं कि ये छोटा का टास्क नहीं होता, काफ़ी बड़ा टास्क होता है। एक पूरे शहर को बसाना एक तरह से बहुत बड़ी एक्वायरमेंट की जाती है। एक्वायरमेंट में भी काफ़ी इशूज़ आते हैं, बहुत सारे लोग उस जगह पे बसे होते हैं, उनको मुआवजा देना, उनसे वो लैंड लेना, या फिर गवर्नमेंट की लैंड है तो वहाँ पे जो लोग पहले से बस रहे हैं उनसे वो लैंड को खाली कराना, इस तरह से बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं। और उसको फॉलो करने के बाद फिर लास्ट में जैसे आज आप येडा देख रहे हैं, जैसे आपने ग्रेडा देखा यानी कि ग्रेटर नोएडा को देखा बसते हुए, ऐसे ही हम इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र को भी आगे बसते हुए देखेंगे। फिलहाल ये अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, शुरुआत से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक टाइम आएगा कि मैं आपको प्रॉपर डेवलप होने की भी न्यूज़ इसी तरह से अपने इसी प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाऊँगी और शेयर करूँगी। तो ये एक यूपी की डेवलपमेंट की न्यूज़ थी जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे। इसी तरह की और भी डेवलपमेंट और अपडेट की न्यूज़ आएगी तो उसे हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल आप यहाँ पे NCR में आसपास में आपका जो डेवलप शहर है जिसमें आपका ग्रेटर नोएडा और येडा सिटी आता है, इनमें आप इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई सर्चिंग कोई प्लानिंग चल रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शंस आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9873442971, ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव सर का है। 9667519002, ये नंबर मिस्टर कपिल यादव सर का है। 9958548641, ये हमारा नंबर है। आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन सारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है तो आप हमसे डिस्कस करिए, बट इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिए और सेफ इन्वेस्टमेंट करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट करिए। आपकी कोई भी अमाउंट कहीं पे भी स्टक नहीं होने चाहिए। आपने कोई भी एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया तो आपको उसके बेनिफिट मिलने चाहिए, आपको उसके रिटर्न में अपने नाम पे वो लैंड वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप सेफ इन्वेस्टमेंट करिए। और साथ ही साथ हमारा आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, AC14 पे अंसल गोल्फलिंग 1 अडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेस वे 40 ग्रेटर नोएडा। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, लोकेशन जाके लोकेशन का आइडिया ले सकते हैं, देन उसके बाद भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट को, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी एक एक अपडेट आपके लिए भी और लोगों के लिए भी जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो हमारा चैनल आपके लिए एकमात्र ऐसा माध्यम है जहाँ पे आपको हर एक प्रकार की येडा और ग्रेडा की अपडेट मिलती रहती है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें और अपने सगे संबंधियों को शेयर भी कर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।